ओके जो हमारे नेक्स्ट वीडियो है इसमें हम बताएंगे कि हाउ टू चेक द पीपी ऑफ द पेशेंट। तो सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, ब्रेकियल रेडियल आर्टरी एंड अल्नर आर्टरी को पालपेट करना पता होना चाहिए। ये हमारे पास ब्रेकियल आर्टरी हमारी क्यूबिटल फोसा के लेफ्ट साइड से स्टार्ट होती है, आपको याद होगा MBBR। तो मीडियन नर्व, ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल वेन और ये आर रेडियल, ये इसको हम लोगों ने इसको पालपेट करना है। यहाँ पे आपके आपने थ्री फिंगर्स के साथ, इन थ्री फिंगर्स के साथ आपने पेशेंट को पालपेशन करनी है। तो यहाँ पे आपने पालपेट करना है, आपको जहाँ पे भी लगे कि यहाँ पे आपको पल्स फील हो रही है तो वहाँ पे आपने आपको आपको वहाँ पे आपने अपना स्टेथोस्कोप का रखना है। स्टेथोस्कोप का आपने मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ये हमारे पास एयर पीस है, ये हमारे पास ड्रम है, तो ये चेस्ट पीस है, ठीक है। ये ड्रम है, यहाँ से हमें पहले आपने ये एयर पीस को अपने कान में लगाना है और ये आपने चेक करना है कि ये आपको आवाज़ सही आ रही है कि नहीं, इसको ऑन ऑफ़ करके देख लेना है। जिधर आपको सही आवाज़ आ रही होगी वो आपने पीस आपने पेशेंट के यहाँ पे रख देना है। और यहाँ पे आपकी रेडियल आर्टरी और ये रेडियल नर्व, अल्नर आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी की दो ब्रांचेज हैं, रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी। तो ये आपने रखा, ये आपने स्ट्रैप लिया, ठीक है। इस स्ट्रैप की ये जो दो ये पाइप है, एक ये है आपके पास बैलून, ये जिससे आपने आपने इसको इसकी इसको आपने करना है, जिधर से आपका जो मर्करी है वो बाहर आएगा जो आपको रीडिंग बताएगा। और दिस वन, जिस ये वाला पाइप, दो पाइप है, इसको आपने रखना है पेशेंट की आर्टरी के ऊपर बिल्कुल। ये आपने इसको इसको भी फिलहाल बाहर निकाल लें, ठीक है। आपने क्यूबिटल फोसा से एक इंच ऊपर इसको सेट करना है, ये आपका क्यूबिटल फोसा इससे एक इंच ऊपर, आपका वन इंचेज ऊपर ये होना चाहिए, ठीक है। और इसको आपने आर्टरी के ऊपर रखना है, ओके। और आपने ये स्टार्ट कर देना है यहाँ से, इसको ऑन, ये ऑफ है, इसको ऑन कर ले। और यहाँ से आपने स्टार्ट करना है इसको, ये वाला अगर आपके पास ऑन है, ये नोज़ल अगर ऑन है तो इसको ऑफ़ कर दें, इसको यहाँ से बंद कर दें, यहाँ से स्टार्ट कर दें इसको। अब देख सकते हैं मरकरी जा रही है ऊपर, आपने कोशिश करनी है, ज़्यादातर पेशेंट जो होते हैं, जो ओबीज पेशेंट होते हैं, उनमें आप 160 तक ले कर जाते हैं, 160 तक लेके जाते हैं। बट ये पेशेंट ओबीज नहीं है तो हम इनको सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक लेके जाएंगे, 140 तक। यहाँ से आपने नोज़ल को दोबारा से बैग पे लेके आना है, ट्वेंटी तक चली गई है। फिर यहाँ से आपने आहिस्ता 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 इसको नोज़ल इसको दोबारा से ओपन करना स्टार्ट करना है। और आहिस्ता 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 यहाँ पे भी आपको वॉइस, यहाँ से आवाज़ आने स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही आपको आवाज़ आने स्टार्ट होगी आपने वहाँ पे रोकना है, रीडिंग नोट करनी है, यहाँ पे इनकी है 110, ठीक है। रीडिंग के बाद फिर आपने स्टार्ट कर देना है, और इतना स्मूथली मरकरी आपकी बिल्कुल स्मूथली नीचे जाए ताकि आपकी रीडिंग जो है वो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर इनकी रीडिंग आ रही है, अभी तक आ रही है, और यहाँ पे आके एंड हो गई है। तो इनका क्या है 110 एंड 80, और इसको इजीली आपने, और लास्ट में आपने क्या करना है, इसकी ये वाली जो नोब है इसकी ऑन ऑफ वाली इसको ऑफ़ कर देना है।